आखिरकार टोक्यो ओलंपिक में हमारा गोल्डन डे आ चुका है। 7 अगस्त 2021 यानी आज के दिन को हिंदुस्तान के इतिहास में बच्चा बच्चा लंबे समय तक याद रखेगा, क्योंकि आज ही के दिन हरियाणा के एक छोरे ने हिंदुस्तान के लिए टोक्यो ओलंपिक में उसका पहला गोल्ड मेडल जीत के हिंदुस्तान के नाम कर दिया। मैं बात कर रहा हूं नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर रिकॉर्ड तोड़ भाला फेंक के प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। मैंने खुद ने पहली बार इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैच को छोड़कर जेवलिन थ्रो का यह मैच देखा और जीतने के बाद मुझे खुद को इतना ज्यादा गर्व फील हुआ कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हम हर हिंदुस्तानियों को क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स को भी देखना चाहिए और इनको सराहना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में नीरज चोपड़ा जैसे और भी खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर सके। नीरज चोपड़ा की सक्सेस के लिए आज कमेंट करके उन्हें बधाइयां जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। गाइज, आज मैं आप लोगों को दुनिया के 7 सबसे बेहतरीन डॉक्टर से मिलवाने वाला हूं। ऐसे डॉक्टर्स जो आपको स्वस्थ रहने में और आपकी उम्र को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले है 6 से 7 घंटे की गहरी नींद, दूसरा सूरज की किरणें, तीसरा सुबह सुबह साफ हवा में घूमना, चौथा वर्कआउट करना, पांचवा शुद्ध शाकाहारी खाना खाना, छठा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और सातवां हंसना। ये 7 डॉक्टर्स आपकी लाइफ बना सकते हैं, आपको स्वस्थ बना सकते हैं और लंबी उम्र भी दे सकते हैं। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। आजकल लोग अपनी सोच और अपने मतलब के हिसाब से सोशल मीडिया पे पोस्ट को शेयर करते हैं। वो लोग सिक्के का दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते और ना ही दूसरों को दिखाते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक लड़की ने सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए लिखा कि अगर देश की हर बेटी को माँ बाप को संभालने का अधिकार मिल जाए तो देश में एक भी ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम बचेगा ही नहीं। तो फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया एक लड़के ने। कमेंट सेक्शन में उसने बड़े समझदारी से इसका जवाब दिया। उसने कहा कि अगर वही बेटियां ससुराल में जाके सास ससुर को अपना मां बाप मान लें तो इस देश को तो छोड़िए, इस पूरे विश्व में कहीं भी ओल्ड एज होम रहेगा ही नहीं। गाइस, सिक्के के 2 पहलू होते हैं और इस बात के भी 2 पहलू थे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।